अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, यहाँ पर मैं आई हुई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए। कुछ शॉल्स वगैरह देख रही थी मैं और मुझे ये दो शॉल्स बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने दोनों ही बाय कर ली, एक अपनी अम्मी के लिए और एक अपने लिए। और इनका स्टफ भी बहुत अच्छा था, काफ़ी गर्म शॉल्स हैं ये और इनके प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थे। मुल्तान में रहते हैं, उनको पता होगा चेज़अप के ऊपर जो शॉप्स हैं, मैंने वहीं एक शॉप से ये शॉल्स ली हैं और काफ़ी अच्छी मुझे मिल गई थी। तो बस शॉल्स का बिल मैंने करवा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बार बार देखी जा रही थी कि क्या मुझे कोई और तो ज़्यादा अच्छी ना लग जाए तो मैं एक्सचेंज करवा लूँ, लेकिन वो ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही प्यारी थी। तो बस मैंने वही दो ले ली और यहाँ से मैंने सब बिल वगैरह करवाने के बाद मैं घर चली गई थी, अम्मी की तरफ चली गई थी, क्योंकि मैंने अपनी शॉल भी ली थी और अम्मी की शॉल भी ली थी, तो उनकी शॉल मैंने उनको देनी थी, इसलिए मैं उनकी तरफ चली गई थी। और बस सारा दिन रेस्ट करने के बाद रात के टाइम तो भूख लगती है, दोपहर के टाइम तो हमने खाना खा लिया था, लेकिन शाम के टाइम हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ फास्ट फूड ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पापा जिनोस से चिकन पास्ता ऑर्डर किया था और इनका बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े का चिकन पास्ता होता है, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जैसे कि आपको पता है, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, तो हमारा टक नहीं होता, हमारा जो है वो हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का सा फास्ट फूड होता है, तो बस यही चलता रहता है हमारी तरफ। तो यहाँ पर जी, मैं अम्मी के घर से वापस आ गई थी और आई थिंक ये 3-4 दिन बाद का क्लिप है। आपको कि जैसे पता है, मैंने इतना अरसा जो है व्लॉग नहीं बनाया, काफ़ी ज़्यादा रीजंस थी इसकी। एक तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, दूसरा ये कि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हुई हुई थी, और जब मुझे एक दफ़ा सुस्ती चढ़ जाती है तो बस फिर वो काफ़ी अरसे बात ही उतरती है एक चीज़ की। अगर मैं किसी चीज़ के किसी मामले में सुस्त हो जाऊँ तो बस वो फिर काम होता ही होता रहता है, और ऐसे ही हुआ मेरे साथ व्लॉगिंग की दफ़ा भी, कि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था वॉइस ओवर करने को। ये वीडियोज़ के क्लिप्स काफ़ी बने हुए थे लेकिन वॉइस ओवर करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, इतनी सर्दी लगती थी, इतनी सुस्ती होती थी, इसी वजह से मैं जो है वो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। जी, यहाँ पर आया है सरसों का साग, साथ मक्खन, साथ शहद और साथ देसी घी, और ये मेरे जो है फादर वो अपने हमारे इलाके से बनवा कर लाते हैं, और बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस साग होता है ये। तो बस ये साग की बोटलियाँ मेरे लिए आई थी, और मज़े की बात ये है कि हमने कभी भी खुद साग नहीं बनाया, हमारे इलाके से ही बन के आता है और अब्बू हमेशा वहीं से बनवा कर लाते हैं, और बहुत अच्छा होता है, बहुत ईजी भी रह जाता है। बस हमें ये है कि हम आगे हमारे ऊपर है, हम इसको तड़के में बनाएँ या इसको हम तड़का लगा कर खाएँ या मीट में बनाएँ या चिकन में बनाएँ, ये हमारे ऊपर है, बस ये वहाँ से बॉयल हुआ ही आता है, जो कि हमारे लिए बहुत इजी रह जाता है। और जब ये ख़त्म हो जाता है, बोटलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर बाबा और जो है वो लेकर आ जाते हैं, अब और बनवा कर लेकर आ जाते हैं। और इसके अलावा जब भी मेरे अबू अपने लिए कोई चीज़ लेते हैं या अपने घर के लिए कोई चीज़ लेते हैं, तो उसमें से मेरा हिस्सा वो पहले ही निकालते हैं, और हमेशा ऐसा होता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपने घर के लिए कोई चीज़ ली और मेरे लिए वो चीज़ ना ली हो, और वो हमेशा मेरा हिस्सा पहले निकालते हैं। और ऐसे ही है बचपन से ही, अभी मेरी ज़बान पर एक पूरी बात आई भी नहीं होती और वो मेरी ख्वाहिश पहले ही मेरे अबू जो है वो पूरी कर देते हैं शुरू से, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये कह लें कि मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड बच्चा थी और अभी भी हूँ, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी, अब जाहिर है उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ इंसान मैच्योर हो जाता है। तो मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड बच्चा थी और मैं हर चीज़ में अपनी मनमानी करती हूँ, हर चीज़ में अपनी मनमानी करती थी और अभी भी करती हूँ, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा करती थी, और वो मेरी हर चीज़, हर ख्वाहिश ही पूरी हुई, और मेरे अब्बू ने हर ख्वाहिश मेरी पूरी की और अब तक करते आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अमीन सुम्मा अमीन। आप भी मेरे अब्बू के लिए, मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको हमेशा हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। और मैं ये सोचती हूँ, मेरी ये सोच है कि माँ बाप जो होते हैं वो अल्लाह ताला ने आपके पास एक फरिश्ता के रूप में भेजे होते हैं, वो वैसे तो वो इंसान होते हैं, लेकिन अपनी औलाद के लिए माँ बाप एक फरिश्ते का रूप होते हैं। आपका हर दुख, आपकी हर खुशी, आपका हर गम वो ऐसे समझ जाते हैं कि मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई ताकत वो समझ सकती होगी, या उनकी मोहब्बत जो होती है वो इतनी बेलौस होती है, इतनी बेलौस होती है कि आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किसी और इंसान की, इवन कि बहन भाइयों की मोहब्बत भी वैसी नहीं होती जैसे कि माँ बाप की मोहब्बत आपकी एक एक औलाद के लिए होती है। बस अल्लाह ताला सब के माँ बाप का साया उन पर हमेशा कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी और उनको उनकी जगह पर रख रही थी, बाकी पोटली मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, और इसके अलावा मक्खन, देसी घी, ये चीज़ें मैंने संभाल ली थी,
और यहाँ पर मैं शहद को संभाल रही थी। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, वो ये है कि आप जब भी शहद आपके पास आए तो आप कभी भी उसको प्लास्टिक के कंटेनर में मत रखें, प्लास्टिक की बॉटल्स में मत रखें, वो ख़राब हो जाता है। मेरे साथ एक दफ़ा ये एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये टिप देना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान जो है वो एक्सपीरियंस से ही सीखता है, अपने तजर्बे से ही सीखता है। तो प्लास्टिक के कंटेनर में कभी भी शहद को नहीं रखना चाहिए, हमेशा ग्लास के शीशे के कंटेनर में रखना चाहिए। मेरे पास जैम की 2-3 बॉटल्स पड़ी हुई थी, उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, अच्छी तरह से ड्राई किया और उसके बाद मैंने शहद जो है उसके अंदर रख दिया और उसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके मैंने एक साइड पर रख दिया। और ये कभी भी ख़राब नहीं होता जब आप ग्लास के जार में रखते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने शाम के टाइम मंगवाए थे ड्रैगन वॉक से चाउमीन और चिकन चाउमीन, बहुत मज़े के थे ये। अगर आप मुल्तान में रहते हैं तो आप भी एक दफ़ा ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा ड्रैगन वॉक से, बहुत इनकी डिलीशियस चीज़ें होती हैं और फ्राइड राइस भी बहुत मज़े के होते हैं, मंचूरियन भी बहुत मज़े का होता है और इनका चाइनीज़ सारा ही मज़े का होता है। तो बस यहाँ पर जी मैं अपना डिनर इंजॉय कर रही हूँ, मैंने ये रात को बस यही खाया था और कुछ भी नहीं खाया था, साथ मैंने चाय का कप एक ले लिया था। बस मैं इसको खाऊंगी, इंजॉय करूंगी। अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है तो आप फौरन ऑर्डर कर सकते हैं। और क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी इसकी, हाफ मैंने अपने लिए निकाल लिए थे और हाफ हस्बैंड के लिए रख दिए थे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, साल नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह सबकी ज़िंदगी में ये नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और जो जो उनके साथ पिछले साल कुछ दुख, कुछ गम, कुछ परेशानियाँ, कुछ आजमाइशें आई हैं, अल्लाह ताला उन सबको दूर करें और हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ, बहुत ज़्यादा सुकून हो हर किसी की लाइफ में। तो बस यहाँ पर ये आई थिंक 2-3 दिन बाद का क्लिप है और ये भी इसके अंदर ही ऐड हो गया, मुझे पता नहीं चला। आई थिंक मुझे अपने व्लॉग्स देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे व्लॉगिंग की बजाय फूड व्लॉग्स अपने चैनल का नाम रख देना चाहिए, क्योंकि मेरे व्लॉग में सिर्फ खाने ही खाना होता है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मैं अब आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। अगर किया हुआ है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।